से बोले पड़ते हैं, यहाँ निकलते ही होटल से बारिश शुरू हो गई है, तो मौसम साफ था बट इमीडिएटली बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तो हम लोगों को रेन कोट पहनने पड़ेंगे और पूरा चेंज करना पड़ेगा, मतलब पूरा माहौल चेंज हो गया है एकदम से। फ्रेंड्स हम लोग कैरी कर रहे हैं यहाँ पे डीकैथलॉन का ये रेन कोट पॉन्चो, जो कि बहुत कंफर्टेबल है, वाटर रेजिस्टेंस है, बिल्कुल भी पानी अंदर नहीं जा रहा है, अनटिल अनलेस आपने कैप सही से पहन रखी है। और ये इतना बड़ा है कि आपका जो 10 लीटर या 15 लीटर बैकपैक आपने पहन रखा है पीछे कैरी करना है उसको भी ढक लेगा, तो इट्स नॉट अ पेड प्रमोशन, क्वालिटी ऑफ दिस पॉन्चो इज वेरी गुड, एक्सीलेंट। सो गाइज ऑल सेट, कम्प्लीटली रेडी, ये बैकपैक भी फिट हो गया है अंदर इसमें, और ये पतली पतली सी गलियां हैं यहाँ की घंघरिया की जो हम लोग क्रॉस करके जाते हैं ट्रैक के लिए, और यहाँ से आधा किलोमीटर आगे ही हम लोगों का ट्रैक स्टार्ट हो जाता है। तो ये दोनों साइडों में होटल्स हैं, आपको वाटर बॉटल, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स जो भी लेना है, बट सजेस्टिव है कम से कम सामान लेके चलें, जो ज़रूरी है वही कैरी करें, अदरवाइज उठाना भारी पड़ जाता है। कल आपने देखी वीडियोस में क्या हाल हुआ हम लोगों का, नहीं भैया टाइम खराब मत करो बिल्कुल भी, वजन तो है, अरे वजन तो है, वजन होता है समझ में आता, हल्के हल्के भी रहेगी कुछ है ना उसमें, बाबा सुबह सुबह टाइम खराब अपना ही मत करो मेरा ही मत करो, हजार रुपये दूंगा पर्ची वर्ची, आप देखो डेढ़ रुपये की पर्ची अलग से कटवाएं, कितनी कटेगी पर्ची, 100 रुपये की, 150, तो तू चल फिर साथ में, हैं 1000 रुपये सामान ही है बस इसलिए लेके जा रहे हैं, मैं साथ में हूँ, आ जा चल। तो दोस्तों देखा आपने कितनी नेगोशिएशन है, 3000 2000 फाइनली 1150 रुपये, बट हमारे पास सामान नहीं है, हम सिर्फ एक बंदे को साथ में लेके जा रहे हैं, इन चांस तबीयत खराब हो, बॉटल्स उठानी हो, कैमरा उठाना हो उठा ले, चलिए एक बार ट्राई करते हैं घोड़ों के लिए भी क्या होता है आगे। ये वैली ऑफ फ्लावर जा रहे हो तुम लोग, इधर आगे भीगो मत, वैली ऑफ फ्लावर जा रहे हैं तुम्हें, वैली ऑफ फ्लावर घोड़े घोड़े अलाउ नहीं है ना, ये हेमकुंड साहब क्या चार्ज है, हेमकुंड साहब का क्या, ये सिंगल साइज का 1900 है, उनका 2500 होगा। आप वी डिसाइडेड टू गो टू द वैली ऑफ फ्लावर, और पैदल जा रहे हैं हम लोग, हमने पोर्टर ले लिया एक सामान के लिए, और ये आने वाला है पहला पड़ाव हम लोगों का, ये है हमारे साथ पुष्पावती नहर सॉरी नदी, जो पूरे रास्ते हमारे साथ साथ चलेगी, बिकॉज वैली ऑफ फ्लावर के पास से ही इसका स्रोत है, वहीं से स्टार्ट होती है, तो लेट्स गो। सो फ्रेंड्स दिस इज अ बग्गी बट दिस इज ड्राइविंग बाय द 4 पीपल, ये चार लोग लेके चलते हैं, और ये गवर्नमेंट ऑफिसर्स वीवीआईपी उन लोगों के लिए नॉर्मल ही रहता है, क्योंकि अगर हम नॉर्मल उसमें करेंगे तो इट विल कॉस्ट यू अप्रॉक्स 4000 वन वे, इट नॉट ईजी, और 5000 बिकॉज चार लोग उठा के लेके जाते हैं, चार लोगों की मेहनत और इतनी चढ़ाई सब कुछ, सो इट्स नॉट अ नॉट फॉर अ कॉमन मैन लाइक अस। आधा घंटा ट्रैक करने के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं जो बेस कैंप है, ऑफिस है वहाँ पर वैली ऑफ फ्लावर का, यहाँ पर लोगों का टिकट लेना होता है, डेट कॉस्ट 150 रुपीज पर हेड फॉर एडल्ट। सो गाइस यहाँ पहुंचने के बाद चेक पोस्ट पे आपको अपना आधार शो करना है और एंट्री करानी है, नेम, एज और कहाँ से आए वो सारी चीजें, बहुत सिंपल है,
₹150 पर हेड चार्जेस करते हैं हम तीन लोग हैं इंक्लूडिंग पॉटर, तो फिर इट कम्स टू 450 सारी एंट्री कराने के बाद देन वी कैन मूव फॉरवर्ड। देयर आर सम मैंडेट एंड सब नॉट टू डू थिंग्स विच ये लोग हमको शेयर करते हैं सारा सब कुछ यहाँ से निकलने से पहले, सो डेट कोई काम ऐसा ना करें जो कि रूल्स के अगेंस्ट भी रहे। यहाँ पर वापसी कितने बजे तक स्टार्ट करें? आप जहाँ पे आपके साथ एरिया है चलने जस्ट चलेंगे आप, यदि आप ज्यादा चलेंगे तो दो बजे के आसपास रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न वाले शुरू करें आपसे कम चला जाता है बारिश भी होती है, तो आप एक डेढ़ बजे जहाँ पे होगा आप पहुंचे आपको नाम यहाँ पे चेकआउट करें। ठीक, अच्छा ज्यादा से ज्यादा दो बजे तक ही रुके और फिर चल जैसा हल्का की चल रहे हैं ना, तो जल्दी वापसी कर ले, वापसी कर ले। जैसे हम तो वहाँ से 3 बजे चलेंगे तो 3:30 पहुँच जाएगा, ऊपर से वापसी तो भाग होगा वहाँ तो, लेकिन दिक्कत होगी आप समझा रहे। अरे ऐसी दिक्कत नहीं, बुढ़ापा थोड़ा ही आया है, कोई दिक्कत नहीं। कुछ यहाँ 5 बजे तक रिपोर्ट करना है ना? हाँ सर ठीक, कुछ नहीं है, कुछ ड्रोन बिल्कुल नहीं है, ये सिगरेट कुछ नहीं है, दारू पानी कुछ नहीं है, पानी है दारू बिल्कुल नहीं, दो मोबाइल दो कैमरे उसकी पन्नी में लेके आए अलग से, उसमें रख लें। पहला रास्ता है आपको पैदल का, दूसरा है मैंने आपको बताया था तो चार लोग जो पॉटर्स लेके जाते हैं बिठाल के बग्गी में, और तीसरा है ये टोकरी वाला जिसमें एक बंदे को एक बंदा उठा के लेके जाता है। एंड दिस इज द टफेस्ट थिंग, इट नॉट ईजी, हमें खुद नहीं चला जा रहा है और ये बंदा एक बंदे को बिठा के अपने पिकमर पे पूरी चढ़ाई पे चले के चलेगा। वेरी डिफिकल्ट, सर्वाइव करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है इंसान को। पुष्पावती नदी है जो हम लोगों के साथ साथ बह रही है, वैली ऑफ फ्लावर के साथ रहेगी, बट गाइस रास्ता बहुत खतरनाक है, बारिश से स्लिपरी हो गया है और इतना इजी कुछ भी स्टेबल नहीं है, बिल्कुल अनइवन पत्थर पड़े हुए हैं और जस्ट जैसे कैसे करके रास्ता पगडंडी बना दी है पतली। गाइस यहाँ पे नीचे का फील आता है कि वाकई में डिस्टर्ब नहीं करा गया। देखिए आप कैसे कीन पड़ी हुई है और नदी स्टीम के नीचे से निकल रही है और हम क्रॉस कर रहे हैं, ये नारा नहीं है नदी है और इसकी आवाज़ सुनकर समझ सकते हैं कि ये स्लो है। फुल एडवेंचर, दमदार मजेदार है। This is the main पुष्पावती river, it's flowing जी, बहुत फेमस पुल है, यहाँ पे लोग सेल्फी खिंचाते हैं वीडियोज बनाते हैं। This is the major attraction, यहाँ पे फुल फ्लैश नदी के ऊपर से आप क्रॉस करते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा देर आपने देखा थोड़ी थोड़ी सी
नदी के पार्ट्स में लोगों को मिले थे, बट दे इज अ मेन नहर नदी है जिसकी लहरी आ रही है पूरी नदी बह रही है यहाँ से। बहुत डरावना, बहुत खतरनाक मंजर है, देखने से इतना पता नहीं लग रहा, बट आप जब प्रैक्टिकली नदी वहाँ से देखेंगे तो इट्स ऑसम एंड डेंजर। ऐसे थोड़ा आगे चलेंगे तो एक और ये नाला पड़ता है, इसका भी फ्लो बहुत तेज है, और आप देखेंगे हमारे भाई लोग यहाँ आ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, फिर ले रहे हैं, ऑल सेट एंड मस्त एकदम। अरे कैप पकड़िए, देखो तो भैया को सूरत वादियों में मिलते जुलते सफर कट जाता है और हम लोग पहुंच जाते हैं वैली ऑफ फ्लावर। हम बिल्कुल क्लोज हैं इस टाइम वैली ऑफ फ्लावर से। आप लोग पैदल ही चले आए? हाँ, हम लोग पैदल ही आ रहे हैं। पोर्टर को सामान दे दिया था बस थोड़ा। ओके बाय बाय। ओके बाय। कम बैक बिटवीन मी आई जस्ट